पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, लिसन इंग्लिश. आपको इंग्लिश सुनने की आदत डालनी पड़ेगी. वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है इंग्लिश ऑडियो बुक सुनकर, वो हो सकता है इंग्लिश में कन्वर्सेशन सुनकर, वो हो सकता है इंग्लिश के पॉडकास्ट सुनकर, वो हो सकता है इंग्लिश के गाने सुनकर. तो इस तरीके से आपको इंग्लिश सुनने की आदत डालनी पड़ेगी. अब आप एक छोटा सा बच्चा देखिए, छोटा सा बच्चा जब आपके घर में होता है, आप उसको बोलते हो हेलो बेटा, ये वो, आप उससे सारी बातें करते हो. जब उससे सारी बातें करते हो, वो आपको बदले में, वो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करता है? उसको तो भाषा आती नहीं है, वो तो अभी सीख रहा है, बस वो सुनता है, सिर्फ सुनता है जब वो इस दुनिया में आता है. और थोड़े टाइम बाद आप सुनते हो कि वो बोलना चालू कर देता है भाषा. उसको पता चल जाता है कि मम्मा कौन है, उसको पता चल जाता है पापा कौन है. अब बात करते हैं स्टेप टू के बारे में. स्टेप टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेली राइटिंग. अब ये बच्चा 2-3 साल तक सुनता सुनता रहता है और उसके बाद बोलता है. तो ऐसे ही अगर आप सुनते हो और साथ में एक्सप्रेस करते हो लैंग्वेज, हो सकता है आप गलत लिखो, हो सकता है सही लिखो, वो इंग्लिश लिखते लिखते आपको इंग्लिश आ जाएगी. क्योंकि जब आप इंग्लिश में लिखते हो तो आपको इंग्लिश में आपको सोचने की आदत बनती है. मैं आपको बताती हूँ, मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया. तो जब मैंने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया तो वहां पर 1 साल तक मैं स्पीच बोलती थी, बहुत बार बोलती. तो मेरे एक फ्रेंड है आशीष भाई, तो उनको मैंने बोला कि कुछ आप मुझे रिकमेंडेशन देना चाहोगे. तो उन्होंने कहा कि आपका ना ग्रामर अच्छा नहीं है और आपकी जो एक्सेंट है उसमें थोड़ा हरियाणवी टच आता है, बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा. तो मैंने उनको बोला कि हाउ कैन आई वर्क अपॉन इट. तो उन्होंने मुझे कहा आप ना पेपर पेन को छोड़ दो, मतलब पेपर पेन में लिखना बंद कर दो, आप ना एक्सेल में लिखा करो, गूगल पे लिखा करो, और आप ना साथ में ग्रामरली जैसा ऐप डाउनलोड कर लो. तो जब आप ये करोगे ना, आपके जितने भी एरर्स है ना, वो आपको पता चलते रहेंगे और आपका धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन होता रहेगा. तो अभी मेरे पास लैपटॉप है, इस तरीके से मैं हमेशा सारी की सारी बात आप देखेंगे कि अपनी लिखती हूँ. जब मैं लिखती हूँ तो ग्रामरली मुझे करेक्ट कर देता है और पेपर पेन का इस्तेमाल करना ऑलमोस्ट मैंने बंद कर दिया है. तो अब मेरी कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज इज लिटरली इम्प्रूविंग, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव टू थिंक मच, बिकॉज ये ऑलरेडी दिमाग में प्रोसेस होता रहता है. अब बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में, दैट इज अब एक भाषा को सीखने में शब्दों का बहुत बड़ा रोल है. जैसे हम कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये हिंदी का एक बहुत प्यारा सा शब्द है. अब ऐसे हमें हिंदी के तो बहुत सारे शब्द आए होते हैं क्योंकि हमने हिंदी सुनी है, हम हिंदी कंट्री में रहते हैं, पर इंग्लिश के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं. अगर आप उनको सुनेंगे, अब उनको रेगुलरली सुनेंगे, जैसे कैलिब्रेटेड, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू मेजर इट वेरी एक्यूरेटली. तो इसको बोलते हैं वोकैबुलरी. एक भाषा के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं और अगर अच्छे अच्छे शब्द आपने सीख लिए तो आपकी कमांड ओवर द लैंग्वेज इंप्रूव होते हैं. सो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके फादर बैठ के उनको बोलते थे कि डिक्शनरी में से हर दिन 5 शब्द निकालो, तो उनकी आदत बन गई. तो आज भी वो कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहीं आर्टिकल देखते हैं, तो ही ऑलवेज राइट सम गुड वर्ड्स एंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट इन हिज ऑनलाइन डायरी. सो दिस इज अ वे यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. इफ यू आर फैमिलियर विद सो मेनी वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज, ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ वेरी गुड कमांड ओवर दैट लैंग्वेज.